बहुत शानदार टॉपिक के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट के बारे में। तो ये टॉपिक जो है वो आपको काफी अच्छे से जो है पता होना चाहिए। तो आपको पता है ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो कहां पर है, वाराणसी पे इशू जो है वो चल रहा है, राइट। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबमिट करी थी इनकी एक सर्वे रिपोर्ट, राइट, जिसके अंदर इन्होंने मेंशन कर दिया है क्लियरली कि औरंगजेब का जो काल था उस समय पर उस क्षेत्र में जो है वो एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर के ऊपर जो है वो मस्जिद डेवलप करी बनाई गई, राइट। तो ये फैक्ट इन्होंने क्लियरली जो है वो बता दिया है। इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर खुदाई नहीं हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिना खुदाई किए पता लगा रही है। इन्होंने पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग किया, मतलब कि ऐसा रडार सिस्टम जो नीचे धरती के अंदर जाएगा और बताएगा कि वहां पर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। इन्होंने जीपीएस का उपयोग किया, डिफरेंशियल अलग अलग प्रकार के जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का, साइंटिफिक डेटिंग मेथड्स का उपयोग किया सर्वे के लिए, ये पता लगाने के लिए कि भाई नीचे जो है बिना खुदाई किए हम किस प्रकार के स्ट्रक्चर जो है वो पता लगा सकते हैं, और हर एक प्रकार के ऑब्जेक्ट्स कितना पुराना है वो पूरा इन लोगों ने पता लगा लिया। अब देखिए, एक पर्शियन किताब हम लोग को मिलती है, राइट, औरंगजेब की जब डेथ होती है 1707 में, उसके जस्ट बाद लिखी गई एक किताब जो कि मसीर ए आलमगिरी की हम लोग को देखने को मिली, एक पर्शियन किताब थी। उसमें ये चीज मेंशन था कि औरंगजेब ने ऑर्डर्स दिए थे अपने गवर्नर्स को कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनको खत्म करो, डिस्ट्रॉय करो। उसके अंदर यह भी बताया गया कि विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर हम लोग को देखने को मिलता है उसको भी डिस्ट्रॉय करने की बात की गई थी। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये चीज भी सामने रखी, राइट, और जो ये मसीर ए आलमगिरी की जो ये पर्शिया की किताब थी इसको ट्रांसलेट किया था किसने, इसको ट्रांसलेट जो है वो किया था एक व्यक्ति था। अब देखो किसने ट्रांसलेट किया वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि उसका नाम था हिस्टोरियन का जादूनाथ सरकार, तो उन्होंने जो है वो ट्रांसलेट किया था। तो ऐसे एविडेंसेस भी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। साथ ही साथ अब ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला कि या तो ये मस्जिद बनाई होगी 1670s में या 1680s के पीरियड में, और यहां पर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं कि जो वहां पर मंदिर था उसके डिस्ट्रॉय पार्ट से ही मस्जिद जो है वो बनाई गई, यानी कि मंदिर को तोड़ा और उसी के जैसे अब एक स्ट्रक्चर है जैसे ईंट वगैरह है उसको तोड़कर उसी ईंट का उपयोग जो है वो मस्जिद बनाने में जो है वो कर दिया, ऐसा इन्होंने जो है वो बताया, राइट। ज्ञानवापी मस्जिद जो है बोला जा रहा है कि पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था उसी के ही मलबे पर जो है वो बनाई गई है, उसको तोड़ दिया गया तो मलबा हो गया, तो उसी पर ही मस्जिद जो है वो बनी है। तो ये चीज बताया जा रहा है, राइट। और आज की रेट में जो काशीनाथ मंदिर हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको 18वीं सेंचुरी में जो है वो बनाया गया। अब एविडेंस जो था हिंदू टेम्पल का, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफी सारी चीजें जो है वो सामने रखी, जैसे किताब सामने रखी, काफी सारी चीजें इन्हें बोला कि आज की रेट का जो मस्जिद का स्ट्रक्चर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है तो ये माना गया है कि उसके नीचे कहीं ना कहीं हिंदू टेम्पल जो है वो हुआ करता था उस समय पर, राइट। इन्होंने बोला काफी सारी टेम्पल्स की दीवारें जो है डेकोरेटेड दीवारें वो मिली है, राइट। संस्कृत और द्रविड़ियन इंस्क्रिप्शन शिलालेख काफी सारे मिले संस्कृत में, द्रविड़ियन में, और हिंदू पिलग्रिम्स के द्वारा जो है वो ये 15 से लेकर 17वीं सेंचुरी तक जो है वो लिखे गए थे, वो सब चीजें यहाँ पर मिली है। हिंदू देवी देवताएं जो है वो नीचे है, मूर्तियां मतलब उनकी, वो सब चीजें जो है वो मिली है। तो ये रिपोर्ट जो है वो उन्होंने इस प्रकार से जो है वो प्रस्तुत जो है वो करी है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट का 2019 का अयोध्या का वर्डिक्ट था तो उसमें भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, सेम ऐसे ही इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करके एविडेंसेस जो है वो बताए हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि इसके बीच में मतलब एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा सेंसिटिव है और इस टॉपिक के कारण जो है वो हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स में दंगे भी हो सकते हैं, राइट, क्योंकि लोग जो है वो कट्टरपंथी छोड़ते जो है वो नहीं है। अगर वहां पर एविडेंसेस है, वहां पर कुछ चीजें जो है वो प्राप्त हुई है, मिली है, तो उस अकॉर्डिंग करना जो है वो जरूरी है काम। एनीवेज, बाकी सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, और आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी तो मैं तो आपसे हमेशा एक ही चीज के बारे में बात करता हूँ कि जब भी ऐसा रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक आता है, आप ब्यूरोक्रेट्स हो, आप आने वाले समय के ऑफिसर हो, आपको सबको सर्व करना है, हिंदू को भी करना है, मुस्लिम को भी करना है, सबको करना है, तो आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को चिपकाना, राइट, सामने कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है एंड लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये चीज सही है, राइट। तो आपका काम होगा लॉ एंड ऑर्डर, एंड आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू बोर्ड इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछ ले या मेंस पे लिखने के लिए आ जाए तो इट शुड बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी जो कोर्ट्स हैं इंडिया की वो डिसाइड करें, भाई न्यायालय का काम है ये सब चीजें डिसाइड करना, ये आप लोगों का नहीं है, यू गाइज आर एग्जीक्यूटिव्स आने वाले समय के, न्यायालय डिसाइड करेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज में अपने आप को जो है वो हटा दो। आई हैव सीन पीपल डिबेटिंग अननेसेसरली, काय को डिबेट कर रहे हैं,
क्या जरूरत है तुम्हें बहस करने की, डिबेट करने की, जब ये तुम्हारा मुद्दा है ही नहीं। ये गेम है सिविल सर्विसेज का। यहां पर वो ये जानना चाहेंगे कि भाई आपका ये मुद्दा नहीं है, दिस इज नॉट योर ज्यूरिसडिक्शन, ये आपका क्षेत्र अधिकार नहीं है, फिर भी आप क्यों टांगा ला रहे हो, राइट? और ये चीज सबको सीखनी चाहिए कि जहां पर हमारे मतलब की बात नहीं है वहां पर टांगड़ानी नहीं चाहिए, वहां से दूर हटो ना यार। क्यों हम जो है वहां पर अननेसेसरली जो है वो घुसे जाके, नहीं ना, इट इज रॉन्ग। तो ये चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको बताया वो आपको अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा।